Hi Rohan, thank you for connecting with me today. Thank you very much. I'm Kanika and let me introduce you to the audience. You are Rohan Shankar and you're the man behind amazing scripts like Lukka Chuppi, Suraj Pe Mangal Bhari and now Mini. Ji. So, yeah. So, I think three Hindi films ho gayi hai. Ek maine pehle Marathi bhi thi. Lal Bahadur Chinani, but yeah. So far so good. Congratulations, सबसे पहले तो for the success of Mini. Thank you, Kanika, thank you. So first of all, I want to know about the process. अभी हम Mini की बात कर रहे हैं, तो क्या एक process था इस फिल्म को लिखने का? तो process Kanika ये था कि लुका छुपी 2019 में release हुई थी मार्च में. उसके बाद मैडॉक फिल्म के पास एक मराठी फिल्म के rights थे मलाई भाई से. तो दे आस्क्ड लक्ष्मण सर टू मेक इट डायरेक्टेड. तो लक्ष्मण सर ने देखी और फिर हम मिले. तो लक्ष्मण सर के दिमाग में आइडिया था कि कैसे इसको अडेप्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जब देखी तो हम चाहते थे कि वो सरोगसी का जो केस हुआ था विच वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, वो केस बहुत इंटरेस्टिंग था. बट हम चाहते थे कि उसको थोड़ा सा और वाइडर ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और एंटरटेनिंग और थोड़ा सा और यू नो डेप्थ में उसको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करे. तो फिर जैसे उसको फिर हमने राजस्थान में सेट किया, मिमी का एक अलग कैरेक्टर क्रिएट किया, डेवलप किया. जैसे भानु पंकज जी का कैरेक्टर है या सईद अमन कर का या पेरेंट्स का कैरेक्टर है, बहुत सारी चीजें ओरिजिनल में नहीं थी. तो हमने अपने हिसाब से उसका सोल ले लिया, उस कहानी का इमोशन लिया, बट हमें कुछ एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश की. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. और आई थिंक मार्च अप्रैल 2019 में वी स्टार्टेड राइटिंग. तीन चार महीने में हमारा एक फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया था, चार महीने में विद डायलॉग्स. सो या वैसे फिर देन एक्टर्स केम ऑन बोर्ड एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. राइट, सो ये तो एक थोड़ा अडैप्टेशन टाइप है. सो इट टुक यू 4 months, बट जब आप एक ओरिजिनल एक फ्रेश स्टोरी लिखते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है उस स्टोरी को लाने में? एक्चुअली मतलब जनरली देखे तो इसमें भी हमने सिर्फ वो थॉट ही लिया था, लेकिन ये ओरिजिनल जैसा ही था मेरे लिए. क्योंकि जैसे आप सेकंड हाफ में देखे लास्ट के 30 मिनट्स जो है, जब यू नो समर एंड जॉन दे कम बैक एंड फिर उसके बाद जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल है, ऊपर अप्स एंड डाउन्स है, वो तो बहुत टफ था मेरे लिए. वो तो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल जैसा ही था. उसमें हुआ क्या कि मिमी को मैं बहुत अच्छे से टाइम दे पाया, 4-5 महीने में. मेरे ख्याल से जनरली मेरा ओरिजिनल में भी फर्स्ट ड्राफ्ट हो जाता है कि 4-5 महीने में डायलॉग ड्राफ्ट, और जो उसमें भी हुआ. बट हाँ, इसके बाद मतलब आई थिंक हम लोग पहले स्केड्यूल हमने किया था अक्टूबर में या नवंबर में हमने फर्स्ट स्केड्यूल किया था मिमी का 2019. तो उसके बाद होने के बाद फिर उस पर काम चलता रहा, एड सब कुछ होता रहा जनरली. तो देखा जाए तो इट वॉज एक्चुअली ये मेरी सबसे टफेस्ट स्क्रिप्ट थी मैं कह सकता हूँ, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग थी. एक तो सरोगसी का पार्ट था, मदरहुड था, बहुत सारे फैक्चुअल चीजें थी जो हमने रिसर्च की और वो सब हुआ. तो या जनरली मुझे लगता है बट 4-5 months था इनफ फॉर मी to get the first dialogue draft ready. उसके बाद you have time to make changes and all that. Right. और writers में बहुत common problem पाई जाती है writers block करके. मैं जितने भी writers से बात करती हूँ, there's just common problem. तो आप भी writers block face करते हैं? यार पहले से नहीं करता था. Actually writers block क्या होता है ना कि आप कुछ आपकी expectations बहुत होती है खुद से, या उस आप कहानी को बहुत responsibly कहना चाहते हो यू नो. सो मिनी में ये हुआ था कि हमने कहानी तो लिखना शुरू की मैंने, लेकिन बहुत सारी चीजें थी वो क्रैक हो नहीं रही थी इमोशनली, स्पेशली जब मिमी अपने पेरेंट्स को समझा रही है उसको व्हाई शी वांट्स टू गिव अप द किड, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी. तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि डॉक्टर क्या कहेगी, वो डॉक्टर को क्या कहे, ऑल दोस थिंग्स. फिर मैं 8 दिन के लिए गोवा गया. मैंने अपने आप को एक होटल के रिसोर्ट रूम में बंद करके 7-8 दिन फिर मैंने वहां पे कुछ चीजें क्रैक की जो आई वाज सेटिस्फाइड. तो दिस हैपेंड बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो
अंडरलाइन करनी थी, एक्सप्लोर करनी थी मिनी में. बट जनरली मुझे राइटर्स ब्लॉक नहीं आता. होता क्या है कि आपके पास एक दूसरी चीज होती है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, यू नो यू हैव सो मेनी आइडियाज, तो आपको पता नहीं होता कि अब मैं क्या कहां से शुरू करूं, क्या करूं. और आप एक टाइम के बाद सर्टन मैच्योरिटी आती है एज ए राइटर, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे नहीं कि आपको कहानी नहीं सूझती, कहानी सूझती है, आपको सब कुछ होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो, आप बोलते हो नहीं और बेटर हो सकता है. तो क्या हो सकता है वो, उसके लिए फिर टाइम लग जाता है जनरली. बट ऐसे मैंने आज तक राइटर्स ब्लॉक फेस नहीं किया, आई होप ना करूं, मैंने भी सुना है काफी. बट यस, ये होता है कि कभी कभी आप एक ड्राफ्ट से, कहानी से, जहां से जान जा रही है, आप खुश नहीं होते हो और आप कुछ बहुत अच्छा चाहते हो, बेटर चाहते हो, तो फिर आप बहुत टाइम लेते हो उन चीजों में करने के लिए. आप रात को कुछ चीज लिखते हो और आप सुबह उठते हो तो आप, और रात को आप जब लिखते हो तो आपको लगता है क्या सीन लिखा है मैंने, वाह बहुत अच्छा डायलॉग है. आप सुबह उठ के पढ़ते हो, आपको लगता है तो बहुत बेकार है यार, रात को क्यों इसको इतना अच्छा बोला. तो दैट्स अ प्रोसेस दैट आई जनरली गो थ्रू. राइट. और मम्मी की बात करें तो काफी लोगों ने उसको सराहा भी है फिल्म को, बट कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, या सरोगेसी लॉज को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा. कुछ फर्टिलिटी डॉक्टर्स ने वीडियोस निकाली इस फिल्म को रिव्यू करते हुए, उसके बारे में आप क्या कहें? जी एक्चुअली देखा गया तो मैं मतलब 2015 में सरोगेसी बिल पास हुआ था, कमर्शियल सरोगेसी जो है इंडिया में 2015 के बाद बैन हुई थी, और उससे पहले ये सब कुछ चल रहा था. तो मैं मुझे लगता है कि हमने कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, बिकॉज हमारे पास हमने सारा पूरा रिसर्च किया है. मैं बताता हूँ 2015 से पहले की कहानी, 2013 में शुरू होती है कहानी की शुरुआत में. आप देखते हो एक सरोगेसी क्लिनिक है जहां पे एक एक कमरे में 10-15 औरतें ऐसे रखी गई है प्रेग्नेंट सरोगेट्स. तो उस वक्त फैक्ट्रीज होती थी लिटरली कनिका, अगर आप गूगल पे भी रिसर्च करें ना आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे. उस वक्त लिटरली गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में बहुत सारी सरोगेसी के नाम पे ना फैक्ट्रीज होती थी जहां फॉरेनर्स आते थे, एक यंग लड़की को सरोगेट बनाते थे, वो 9 महीने वहां रहती थी, उसको पैसे दिए जाते थे, बच्चा डिलीवर करती थी, 2 महीने रेस्ट करती थी, वापस सरोगेट बनती थी. बहुत सारे लोग ऐसे अर्न भी कर रहे थे. एक डार्क फेस था जो हमने फर्स्ट सीन, मिमी का फर्स्ट सीन जो है ना वो है, वही हम दिखाना चाहते हैं. दिस वॉज हैपनिंग. इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जो हमने फिल्म में दिखाया है, वो एक रियल केस है जो मराठी फिल्म में उन्होंने लिया है. द मेकर इज अ लॉयर, जो रियल चीज हुई थी. उसके अलावा आपको बहुत सारे, मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप गूगल करोगे, आपको सरोगेसी में कितने लोगों ने मिसयूज किया है, फॉरेनर्स ने इंडियन वेमेन को, इंडियन सिस्टम को, वो आपको पता चल जाएगा. तो हमने वही दिखाया है. मुझे नहीं लगता हमने किसी भी तरीके से सरोगेसी को मिस रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने जयपुर में जहां शूट किया है जिस क्लिनिक में, वो जयपुर में IVF क्लिनिक है जयपुर का सबसे बड़ा, और वो डॉक्टर्स की कंसल्ट के साथ ही हमने शूट किया है, वो प्रोसेस दिखाई है, सब कुछ दिखाया है. हमने स्पेशल थैंक्स भी उन डॉक्टर्स का नाम लिया है. तो अब किसी को शायद उस चीज पे आपत्ति होगी, बट हमने तो पूरी कोशिश की है कि वो फैक्चुअल रहे सारी चीजें. जैसे मुझे किसी ने बोला था कि डाउन सिंड्रोम की टेस्ट आपने कि मतलब किसी ने वीडियो है, किसी ने मुझे मैसेज दिया था, डाउन सिंड्रोम की टेस्ट तो 4-5 महीने में होती है, 4th या 5th महीने में. आपने फिल्म में दिखाया है कि वो 8वें महीने में हो रही है, तो वो रॉन्ग है. हमने फिल्म में वही दिखाया है कि वो उसी टाइम पे हो रही है जब होनी चाहिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम की जब टेस्ट होती है और पता चलता है कि यार बच्चा जो है ये ऐसा है, उसके बाद वो फर्स्ट हाफ में होता है, उसके बाद सेकंड हाफ में 7वें महीने में गोद भराई की रस्म होती है जिसमें गाना है रिहाई दे. तो अगर गोद भराई की रस्म से पहले हमने वो दिखाया है तो वो ऑब्वियसली 7वें महीने से पहले है, 5 होते या 5 महीने के आसपास ही, तो फिर वो रॉन्ग कैसे होगा? लेकिन किसी ने एक वीडियो डॉक्टर ने बना के बोला कि शायद वो 8वें-9वें महीने में डाउन सिंड्रोम की टेस्ट, वो 8वें-9वें महीने है ही नहीं, आप टाइमलाइन देख लो कहानी का. तो हमने जितनी कोशिश की है, हमने सारी फैक्चुअल चीजें हमने एक्चुअली एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके ये सारी चीजें की है. इन द एंड सम आई विल आल्सो टेल दैट इन द एंड किसी ने शायद और एक बोला था कि यार वो इतनी जल्दी बच्चा कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो बोला वो अडॉप्ट नहीं हुई है, वो अडॉप्टिंग कहां है उसने. The actor says we are adopting the baby, not adopted the baby.
तो अगर ये सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी फिल्म में है, उसके बाद भी अगर कोई इसको गलत समझ रहा है या इशू बनाना चाहता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बट आप जनरली लोग गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आई थिंक हमने पूरी तरह से कोशिश की कि हम वो सारी फैक्चुअल चीजें राइट करें। और आपके हम स्क्रिप्ट की बात करें तो लुका छुपी भी थी, वो लिव इन रिलेशनशिप्स पे थी, ये सरोगेसी पे, तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक टैबू जो टॉपिक्स हैं इंडिया के, उनको आप टच करते हैं, तो इस तरह के स्क्रिप्ट लिखते टाइम किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ना आपका एक सेंस होना चाहिए कि कौन सा जोक काम, जोक या ह्यूमर काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि मैं हमेशा सटायरिकल वे में ज्यादा बिलीव करता हूँ चीजों को दिखाने में। तो उसमें क्या होता है, एक थिन लाइन होती है, आप उस थिन लाइन के उस पार गए तो फिर वो ऑफेंसिव हो जाता है, और यहां रहे तो वो सटायर होता है। ये बहुत फील नहीं होती, तो मैं हमेशा सटायर में चीजें रखने की कोशिश करता हूँ। और इनडायरेक्ट मतलब कैरेक्टर्स, मेरा मेजर फोकस उन जोक्स पे नहीं होता, कहानी पे होता है। लेकिन कहानी में मैं ट्राई करता हूँ कि कैरेक्टर्स का प्लेसमेंट है, उनका उनकी सिटी है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, वो राइट रहे। और इंडिया कहने का ऐसी कंट्री है ना कि यहाँ पे इतने सारे हमारे मिक्स्ड कल्चर्स है, आप दो कल्चर को मिला लो आपको एक बहुत अच्छा आपको एक बहुत अच्छा सटायर मिलता है, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजें। आप मुस्लिम की नजर से हिंदू को देखो, हिंदू की नजर से मुस्लिम को देखो, पंजाबी की नजर से तमिलियन को देखो, तो मैं ये नहीं करता कि वो किसी भी धर्म का या किसी भी रिलीजन का या किसी भी इसका मजाक उड़ाऊं, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी बट वो कैरेक्टर और वो सारी चीजें कहानी में आना एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड आई लाइक दैट जनरली। तो एक बात का ख्याल सिर्फ मेजरली रखना पड़ता है कि कोई ऑफेंड ना हो जाए, और आप करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप फिल्म बना रहे हैं ऑडियंस के लिए, आप चाहते कि वो जिस भी कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी में आपका कैरेक्टर जिस भी कम्युनिटी का है, रिलीजन का है या जो भी है, वो लोग खुद ये पिक्चर देख के बोले कि हाँ यार ये सही कहा इसने, हाँ यार ये बहुत अच्छा है, हाँ हम रिलेट करते हैं इस चीज से। तो आप चाहते हो ये चीजें हो, दैट इज व्हाई यू डोंट वांट टू क्रॉस दैट थिंग, और यू डोंट नीड टू। आई थिंक दैट्स व्हाट सटायर इज, एंड आई एम रियली बिग फैन ऑफ दैट जॉनर, हमेशा पढ़ता रहा हूँ, वैसे फिल्में देखता रहा हूँ। तो आई लाइक टू रिप्रेजेंट, इसलिए मैंने आई एम बीइंग ए महाराष्ट्रियन, बट लुका छुपी हमने सेट की थी मथुरा ग्वालियर, हमने मिनी सेट करी थी राजस्थान। सूरज से मंगल भारी मुझे मौका मिला तो मैंने मराठी और पंजाबी कल्चर्स का एक मिलाप दिखाया और कैरेक्टर्स दिखाया, जो मुझे मजा आया काफी करने में। तो ये दिस इज आई रियली लाइक, अभी जैसे एक दो और कहानियां कर रहा हूं मैं, जहां एक्सप्लोर कर रहा हूं और कौन से रीजन है, कल्चर्स है जो मैं एक्सप्लोर कर सकूं, जो रिप्रेजेंट कर सकूं सही तरीके से। वही फन है, मतलब इंडिया से कंट्री में आपके पास 27-28 डिफरेंट कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, मेजर कम्युनिटीज है, तो हर एक कहीं ना कहीं आप कहानियां उनके बीच कह सकते हो। राइट और आपकी ये जॉब है जो राइटिंग की, इसमें क्या एक पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है? या फैसिनेट करता है क्रिएशन, आप जो क्रिएशन होता है ना कि अब जैसे मेरे दिमाग में कहानी आई कि यार एक लड़का लड़की लिविंग में रहेंगे, फैमिली ने पकड़ लिया तो क्या होगा। अब इसके बाद मैंने उसको, अब वो कैरेक्टर क्रिएट होते हैं, फिर कैरेक्टर क्रिएट होने के बाद आप डायलॉग लिखना शुरू करते हो, आपको खुद को नहीं पता कि डायलॉग आने वाला है, आप कैरेक्टर्स के हिसाब से सोचने लगते हो कि मिमी क्या करेगी, क्षमा क्या करेगी, गुड्डू क्या करेगा, और आप डायलॉग लिखने लगते हो और बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग आते हैं। तो ये मतलब आप खुद, आपके क्या होता है कि राइटिंग में क्या होता है कि आपने कहीं एक चीज लिखी हुई है बचपन में, आप भूल गए हो क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड भूल गया, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके यहाँ स्टोर है वो, आप लिखने लगते हो ना वो चीज आ जाती है, अरे हाँ ये ऐसा हो सकता है कैरेक्टर, ये ऐसा हो सकता है, यहाँ जा सकता है। तो इसमें एज अ पर्सन आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हो, लिटरली कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हो, और बहुत मजा आता है इस क्रिएशन में। मुझे लगता है सबसे बड़ा हाई है राइटिंग क्रिएशन, एनी क्रिएशन, व्हेदर इट्स राइटिंग या फिर आप म्यूजिक कंपोजर दे लो, उसमें भी एक क्रिएशन है। तो ये क्रिएशन का एक बहुत बड़ा क्रिएटिव
हाई होता है जिसमें मजा आता है. और मुझे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे मजा आता है कॉमेडीज या सटायर या फिर लाइट हार्टेड फिल्में लिखने में, क्योंकि जनरली हम देखे तो मिडिल क्लास कैरेक्टर्स लिखने में या फिर वो दुनिया लिखने में स्मॉल टाउन वाली, यू नो, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है. बट फिर भी हम हमारे सब में लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हम खुश रहते हैं, सब कुछ होता है. तो ये जब लिखना में बहुत फन है, तो आई थिंक राइटिंग बहुत बड़ा हाई है मेरे लिए ये सारी चीजें लिखना. और आप तो अपना 100% दे देते हैं जब आप एक स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं, बट जब वो स्क्रीन पर उतरती है तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा इंस्टेंसेस होते होंगे कि डायरेक्टर इज नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ही वांट्स टू चेंज दैट. तो कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स आया है और आता है तो कैसे उसको डील करते हैं? आता है, वो शूट पे नहीं आता, वो शूट से पहले आ जाता है. क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि शूटिंग से पहले आप वो स्क्रिप्ट लेके जाओ जिस पे डायरेक्टर राइटर एक्टर सब लोग कॉन्फिडेंट है, प्रोड्यूसर सब लोग कॉन्फिडेंट है, बोले हाँ यही है. छोटी मोटी चीजें शूट पे चेंज हुई, आई एम ओके. बट मेरा मैं शूट पे ज्यादा चेंज मैं नहीं करता चेंज. जो सिचुएशन स्क्रीन प्ले बेसिकली स्क्रीन प्ले पार्ट सिचुएशन पार्ट होता है ना, वो तो पहले ही जब लिखते हो तो हमेशा आपके साथ आप डायरेक्टर और राइटर हस्बैंड वाइफ आ जाता है. तो वैसे ही मुझे जो भी लिखता हूँ मुझे डायरेक्टर का परमिशन नहीं दिखाना है कि असल में ये लिखा हूँ, मुझे लगता है कहानी यहाँ जानी चाहिए. तो डायरेक्टर बोलता है यार ये सीन नहीं होना चाहिए, वैसे वहां होना चाहिए. तो आई आस्क द डायरेक्टर, ही कन्विंस मी, आई सेड यस यू आर राइट, तो ये वैसे मैं वैसे लिखता हूँ. तो आई थिंक ये ना वो वाली एक ओपन क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सिनेमा राइटिंग की, जिसमें मैं डायरेक्टर को कन्विंस करूंगा और डायरेक्टर को मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि ये क्यों चाहिए. और वही होता है, मतलब लक्ष्मण सर के साथ मैंने 3 पिक्चरें की है, लाल बाग चलानी, लुका छुप्पी और निमी. तो उनके साथ मेरा ये इक्वेशन यही है हमेशा कि, और हमारे ऐसे नहीं है, हमारे आर्गुमेंट्स भी होते हैं कि नहीं नहीं ये चाहिए सर, नहीं वो चाहिए. बट एंड ऑफ द डे आपको मुझे कन्विंस करना है या मुझे उनको कन्विंस करना है कि सर ये क्यों चाहिए. और एक टाइम तक मुझे लगता है एक टाइम के बाद वो ट्यूनिंग बन जाती है आपकी. जैसे अभिषेक के साथ भी मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी सूरज मंगल भारी में, तो उसने भी मुझे काफी फ्रीडम दिया हुआ था. एंड ही सो देयर समथिंग दैट ही वांटेड, समथिंग भी लगा कि हाँ ऐसी होनी चाहिए. तो हमने ओवरऑल बात करके वो सारी चीजें रखी, तो म्यूचुअली सारे एग्रीमेंट होता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आप ये यहाँ के कोई ईगो नहीं आता, आप चाहते हो कि बेस्ट आए, जो भी आए बेस्ट आए. तो अगर डायरेक्टर कुछ बोल रहा है विच इज वेरी गुड, और तो मैं अपने ईगो पे क्यों अडूं कि भाई नहीं नहीं यार मैं जो बोल रहा हूँ सही, ऐसा नहीं हो सकता. या फिर सेम चीज वैसा वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए. जो अगर बेस्ट लग रहा है बेटर लग रहा है तो वो होना ही चाहिए. जैसे कई बार एक्टर्स आपने कुछ डायलॉग लिखे, एक्टर्स कुछ एक दो लाइनें इम्प्रोवाइज करते हैं, बट वो लाइनें अगर आपने जो लिखी हुई है उससे बेटर है या फनी है तो क्या प्रॉब्लम है वो, यू नो. तो एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर वर्किंग फॉर अ बेटर फिल्म, तो आई एम ओके, मतलब आई लाइक दैट थिंग. और आपने 3 हिंदी फिल्में लिखी है जिसमें से 2 में कृति है, तो क्या ये एक सोचे समझे एक कोलैबोरेशन है या फिर ये इत्तेफाक से हो जाता है बस? ये इत्तेफाक, क्योंकि हम लुका छुपी मैं और लक्ष्मण से लेके गए थे मैडॉग में. तो मैडॉग में पहली अगर कोई एक्टर थी हमें जिसको सुनाई लुका छुपी कृति को थी, यू नो, बिफोर कार्तिक कृति वाज ऑन बोर्ड, कृति ने सुना था, कृति ऑन हो गई थी इमीडिएटली, शी वांटेड टू डू दैट फिल्म. उसके बाद जब मिमी की कहानी डेवलप हो रही थी तो भी लक्ष्मण सर भी एज अ डायरेक्टर he was also comfortable with Kriti, he has worked with Kriti and we all knew that she's very real person, she's very hard working person and wo bahut committed bhi hai. To Dinu sir bhi chahte the Kriti aaye, Lakshman sir bhi chahte the Kriti aaye, mujhe bhi Kriti achi lagi Mimi mein. To Mimi mein hamare paas dusra koi choice option bhi nahi tha, ki matlab humne socha hi nahi tha ki koi aayega, Mimi Kriti hi likhte time bhi humko pata tha hogi. और उसको भी बहुत अच्छी लगी, उसने भी बहुत मेहनत की, आपने देखा कितना कमाल काम किया है उसने. तो ये आई थिंक वो बन जाता है, ट्यूनिंग बन जाता है और एक रिलेशन बन जाता है, सो यू नो एक कंफर्ट लेवल बन जाता है. तो लुका छुप्पी और मिमी दोनों ही लक्ष्मण सर डायरेक्टर थे और दिनू सर प्रोड्यूसर थे दिनेश जी ने, तो इसीलिए दोनों भी पहले कृति के पास गई, दूसरी भी कृति के पास गई. एंड मतलब जल्दी जल्दी मौका मिलेगा मैं तो कुछ और भी लिखूंगा, बिकॉज शी इज वेरी गुड एक्टर और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही हार्डवर्किंग है, कमिटेड है, चीजों को बहुत अच्छे समझती है.
तो आई थिंक मतलब राइट। और एक और आप फिल्म लिख रहे हैं हेलमेट, एम आई राइट? वो लिख चुका हूँ मैं, पिक्चर रेडी है। तो वो पिक्चर रेडी है, इट्स ऑन, इट्स अबाउट कॉन्डोम्स एंड मतलब वो भी एक सटायरिकल वे है कॉन्डोम्स की, एक कहानी है जिसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि जो टैबू है कॉन्डोम्स को लेके इंडिया में, कॉन्डोम्स की बात भी नहीं हम करते, मेडिकल शॉप में जाने से, जाने के बाद डरते हैं मांगने से, और इन्हीं कुछ टैबू की वजह से हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि चाइना को पास क्रॉस करने वाले हैं, और आप देखिए तो 90% प्रॉब्लम इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से ही है, जो भी देख लिया। तो हम कॉन्डोम पे आज तक दुनिया में कोई फिल्म नहीं बनी, आई थिंक फुल फ्लेज फिल्म, ये हमने कोशिश की है कुछ अच्छे एक्टर्स को लेकर, एक अच्छी कहानी कहने की। तो इसमें एक कहानी है, उस कहानी के जरिए हम पहुंचते हैं कॉन्डोम पे, फिर वो कॉन्डोम्स की प्रॉब्लम पे और स्मॉल टाउन में, और फिर वो कैसे हम कुछ कहते हैं, कुछ कोशिश कर रहे कहने की, कुछ सॉल्यूशन देने की, कुछ ना कुछ चीज है। तो आई थिंक वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग यूनिक चीज बात है हेलमेट के बारे में। और जितना मुझे लगता है, मुझे पता है कि आई थिंक एक 8-10 दिन में शायद हेलमेट का ट्रेलर भी आ जाएगा ऑफिशियली, वो कहाँ रिलीज होगी वो भी पता चल जाएगा। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। और हालांकि मुझे तो समझ में आ गया कि किस तरह की आप फिल्में लिखते हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट ड्रिवन फिल्में या कमर्शियल एस्पेक्ट को भी आप ध्यान में रखते हैं, किसको आप ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि दोनों का मिलाप होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एक कंटेंट अगर लिखूं जो बहुत अच्छा कंटेंट है मोस्ट, लेकिन मैं उसको अगर थोड़ा सा लाइटर वे में, कमर्शियल वे में नहीं लिखूं, तो वो एक नीश फिल्म बन जाएगी, एक पर्टिकुलर बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए वो बन जाएगी। उसमें कोई गलत नहीं है, ऐसी फिल्में बनती है, मैं भी देखता हूँ, ऐसे कोई भी ये नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे जैसे देश में अगर मुझे मौका मिला है फिल्में लिखने का, बनाने का, तो अच्छे से अच्छी कुछ सोशल इश्यूज, कुछ टॉपिक, कुछ कहानियां मैं कहूँ कमर्शियल वे में, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब वो कॉमेडी के जरिए पहुंचे, वो इमोशन के जरिए पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, बट मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग देखे, उनको देख के ये नहीं लगना चाहिए कि यार क्या भाषण दे रहा है, क्या प्रीचीनेस है, यार क्या रोना धोना चल रहा है ना, बिकॉज सी हमारा जनरल ऑडियंस जो है, जो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी फिल्म देखे जिसमें हमारा कुछ तो एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट एक्शन में भी होता है, कॉमेडी में भी होता है, ऐसे नहीं कि इमोशनल में भी होता है, बट अब कहानी तो जैसे लुका छुपी में हमने कोशिश की कि एक ह्यूमरस जर्नी दिखाई, लेकिन उसमें हमने लेबिन या फिर हिंदू मुस्लिम या फिर कुछ पॉलिटिकल मोमेंट्स किए, जिनमें हमने काफी वो किए। बस मैं ये ख्याल रखता हूँ और रखूंगा कि कहीं भी वो करप्ट ना हो जाए, वो कॉन्सेप्ट या जो थॉट है, जो सोशल या जो हम लेके चल रहे हैं कंटेंट, वो कंटेंट करप्ट ना हो जाए कमर्शियल बनाने के चक्कर में। तो बहुत अच्छे से मैं चाहता हूँ कि दोनों का मिलाप हो। और जैसे हमारे यहाँ पे ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी, राजकुमार गिरानी, ये सारे फिल्म मेकर्स ऐसे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा दोनों चीजों का मिलाप हमेशा किया है, रखा है, जो हमेशा कुछ ना कुछ बातें कहते थे और हमेशा एंटरटेनमेंट भी होता था। तो आई वुड लाइक टू मोर एक्सप्लोर इनटू दैट स्पेस रादर देन जस्ट कंटेंट और जस्ट कमर्शियल, आई थिंक दोनों 50-50। राइट। और फ्यूचर में आप किन डायरेक्टर्स या एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं? डायरेक्टर्स तो मुझे पता नहीं, मतलब बट मैं जैसे मैंने अभी बोला था, मैं दो फिल्में की है पंकज जी के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका काम करने का तरीका, एज ए ह्यूमन, और बहुत सीखने मिलता है उनके साथ जब भी आप काम करते हैं पंकज के साथ। तो मैं चाहता हूँ पंकज जी के साथ वापस करूँ। और मैं चाहता हूँ, जनरली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कमल हसन का, मुझे लगता है काफी उन्होंने एक रिवोल्यूशनाइज किया है सिनेमा ओवर द ईयर्स, अलग अलग कहानियां, अलग अलग रोल करके। तो ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जो मुझे, मैं चाहता हूँ कि, और नॉट नेसेसरी कि बड़े स्टार हो या जो हो, बट
ऐसे एक्सपीरियंस कुछ एक्टर जिनके आप काम करके मैं कुछ मुझे कुछ सीखने मिले, मुझे कुछ नया पर्सपेक्टिव, मेरे कुछ दिमाग की बत्तियां खुल गए, नया पर्सपेक्टिव मिले। तो मंगज जी है, कमल हासन है, मैं रिसेंटली काम देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, सेतुपति का वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया था सूरज मंगल भारी में, मुझे बहुत मजा आया था, मौका मिलेगा तो उनके साथ फिर से बहुत अच्छा मूवी डेफिनेटली करूंगा। तो ऐसे कुछ एक्टर मैं चाहता हूँ कि करूँ जो एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स है, अच्छे ह्यूमन बींग्स है, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने मिले, एक्सप्लोर करने मिले। और सोचते हैं कि कभी डार्क फिल्में भी लिखेंगे। यार मैंने ना मैंने कहानी लिखी है डार्क, मुझे डार्क ये शब्द पता नहीं कैसे है, बट हाँ मैंने कुछ अलग स्पेस की कहानियां भी लिखी है। एक तो डेफिनेटली जो मैं लिख के अभी शायद उसका स्क्रीन पे लिखना शुरू करूंगा, एक वैसे भी स्पेस की भी कहानियां लिखी है, उसमें भी मैं उसमें भी ऐसे नहीं है, वो भी सोशली रेलेवेंट ही है, लेकिन कुछ कहानियां जो होती है उसमें आप ह्यूमर नहीं डाल सकते। अगर कुछ कहानियों में आप मतलब फोर्सफुली उसको ह्यूमरस नहीं कर सकते, लेकिन वो बात कहनी बहुत जरूरी है, वो इशू कहना बहुत जरूरी है, तो उसको ह्यूमरसली ना बनाए, लेकिन उसको बोरिंग भी ना बनाए, उसको एक आप थ्रिलर के जरिए या ऐसे कुछ जॉनर के जरिए उसको कह सकते हो, तो आप शायद उसको डार्क कह लो या कुछ कह लो, बट या मैं एक दो चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं उस स्पेस में भी, जहां पे कुछ अलग है ह्यूमर के अलावा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका पर्सपेक्टिव जान के मिनी को लेके जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, एंड आई होप कि ऑडियंस के भी जो डाउट्स हैं वो थोड़ा क्लियर हो गए होंगे इसके बाद। रियली या 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 डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कनिका, थैंक यू वेरी मच।